वेलकम दोस्तों। बात करने वाले हैं यहाँ पे इंडिया में चल रहे सबसे ज्यादा वायरल न्यूज के बारे में। बहुत लोग सोच रहे हैं कि ये या तो फेक न्यूज है या फिर ये क्या है, उसी के बारे में आज बात करने वाले हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जितने भी हमारे जो सोशल प्लेटफॉर्म्स है उनके बैन होने के बारे में, क्या ये न्यूज सच है या सिर्फ ये एक फेक वायरल न्यूज है, क्या है, ये पूरी बात आप लोगों को बताने वाले हैं। तो दोस्तों देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये बात तो कंफर्म है कि ये जो न्यूज है ये फेक नहीं है, ये न्यूज फेक नहीं है दोस्तों। यहाँ पे ये जो भी न्यूज है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का दिया हुआ एक ऑर्डर है। जैसा कि आप लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब कुछ भी चलाते हैं, तो ये सारी इंडिया की कंपनीज नहीं है, ये सारी बाहर की कंपनीज है। और यहाँ पे आप लोग अपना वीडियो, फोटो, बहुत कुछ चीजें हैं जो कि पोस्ट करते हैं, तो यहाँ पे आपका सिक्योरिटी का बहुत बड़ा सवाल उठता है कि क्या आप जो यहाँ पे अपना चीजें शेयर करते हैं क्या वो सेफ है या नहीं है। उसी को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे कुछ चीजें, कुछ अमेंडमेंट्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने इन प्लेटफॉर्म्स के सामने रखी थी, और उन की ये सारी चीजें हमें चाहिए, ये प्राइवेसी चाहिए और इस तरह से कुछ चीजें होनी चाहिए। तो उसी को देखते हुए जो वो सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं उन्होंने 3 महीने का समय मांगा था, और 3 महीने कल यानी कि 26 मई को पूरे होते हैं और फिर भी अभी तक उनके तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया है। तो दोस्तों आप ये समझ सकते हैं कि अगर 1-2 दिन में जवाब नहीं आया तो आपका जो ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम या जो भी आप सोशल हैंडल यूज करते हैं वो बंद हो सकता है कम्प्लीटली, वो एकदम कम्प्लीटली बंद हो सकता है। जैसा कि मैं दिखा सकता हूँ कि वो जो अमेंडमेंट था वो क्या था। जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने 25 फरवरी को भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय की तरफ से डिजिटल कंटेंट के रेगुलेटरी करने के लिए 3 महीने के भीतर कंप्लायंस अधिकारी यानी कंप्लायंस ऑफिसर को नोडल ऑफिसर आदि के नियुक्त करने के लिए कहा गया, और इन सभी का कार्यक्षेत्र भारत में होना चाहिए। दोस्तों यहाँ का जो हेडक्वार्टर्स है इन सब की भी मांग की थी कि यहाँ इसका हेडक्वार्टर्स भी भारत में ही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है। और भी बताया जा रहा था कि यहाँ पे अगर कोई चीज जैसा कि आपके साथ कुछ बुरा हुआ और इन सभी में से किसी भी प्लेटफॉर्म पे, और अगर आप रिपोर्ट करते हैं उस चीज के बारे में तो उसकी कोई सुनवाई नहीं थी। और यहाँ पे जो भारत का जो अमेंडमेंट भारत ने सामने रखा था उसमें ये चीज लिखी हुई थी कि नए नियम में 24 घंटे के भीतर किसी भी शिकायत मिलने की बात स्वीकार करना होगा, यानी कि अगर आपको कोई रिपोर्ट करता है कि मेरे साथ ये हुआ ये हुआ तो उस शिकायत को लेके आप आगे प्रोसेस करेंगे, ये सारी चीजें लिखी हुई थी। और अभी तक जो है उन्होंने कुछ भी इसका जवाब जो है नहीं दिया है। तो आप ये समझ सकते हैं कि आगे अगर जवाब नहीं आता है, लगातार कॉन्टेक्ट बना हुआ है, तो कुछ भी यहाँ पे हो सकता है। आपका जो बंद हो सकता है, आपका व्हाट्सएप समझ सकता है, आपका व्हाट्सएप बंद हो सकता है, आपका इंस्टा, आपका ट्विटर, जो भी है इंडियन इसमें से कुछ भी नहीं है, और शायद उसके बाद इंडिया में कुछ अपना स्टार्ट हो उसके बाद फैले, देखते हैं। उसके बाद जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो न्यूज़ है वो यही है। अभी तक इसके आगे तो न्यूज़ नहीं आई है कि अभी तक बैन कम्प्लीटली हो गया, क्योंकि अभी भी हमारे फोन में वो चीज़ें चल रही हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि ये जो बैन होने वाला है ये खबर असली है या नकली है, झूठ है, फरेब है, क्या है। लेकिन जो था वो बता दिया मैंने आप लोगों को, और आगे इसके ऊपर क्या ऑर्डर आता है वो भी आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूंगा। अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल के नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है, उसे दबा के चैनल से जरूर जुड़ जाइए। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो दोस्तों लाइक भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।